वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम लोग आप लोगों के लिए इंफोसिस के तरफ से जो मेल्स आना शुरू हो गए हैं उनका असेसमेंट एग्जाम के लिए, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट फेज हायरिंग के होने के चांसेस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस है मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से उसे फॉलो कर सको और एक सक्सेसफुल एग्जाम दे सको ताकि आप लोगों का हायरिंग अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड आवर इंस्टा लिंक एंड टेलीग्राम लिंक, उन दोनों को आप लोग फॉलो एंड ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑलरेडी वी आर 12,000 मेंबर्स इन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड वहां पर अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो वहां पर जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, हायरिंग अपॉर्चुनिटी होती है, सब कुछ वहां पर डिस्कस होता है, और स्टूडेंट्स भी काफी हेल्पफुल है। तो आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए, डाउट्स क्लियर करने हो, तो आप लोगों को बहुत मदद होगी इस ग्रुप से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि इन्फोसिस के तरफ से ये जो मेल आना शुरू हो गया है, इन्फोसिस टैलेंट एक्विजिशन के तरफ से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन्फोसिस की तरफ से मेल आया है। हेलो, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट अंडर इन्फोसिस कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड जो है आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर से आप लोग लॉग इन करके अपना अपना जो पासवर्ड है आप वो सब कुछ चेंज कर दो। ठीक है ना, पहली बात तो ये है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करके एक न्यू पासवर्ड दे दो जो आपको याद हो, और ये पुरानी पासवर्ड और नए पासवर्ड को आप लोग नोट पैड में सेव करके रख लो, कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप लोगों को फिर से लॉगिन करने की जरूरत हो आप लोग लॉगिन नहीं कर पाओगे इसके बिना। ठीक है ना, इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है, डेट है कल का, मतलब 6 जुलाई का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सैटरडे जुलाई 6, 2024। यहाँ पर आप लोगों को स्लॉट्स भी मिलेंगे, आप लोग देख सकते हो at 11 AM इंडिया टाइम, मतलब आप लोगों का एग्जाम जो है वो 11 बजे से स्टार्ट होने वाला है, और ड्यूरेशन जो रहने वाला है एग्जाम का टोटल 3 आवर्स। ठीक है ना, काफी लंबा समय तक आपका एग्जाम रहेगा। तो अभी हम लोग जानेंगे कि जो नेक्स्ट फेज के हायरिंग है वो कब तक हो सकते हैं। तो अभी अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है स्टूडेंट्स के तरफ से, मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेजेस में अब इंफोसिस ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाएगा। तो ठीक है, जिन जिन कॉलेज में वो जाएगा उन्हीं कॉलेज को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऑन कैंपस अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये कॉलेज के टीपीओ सेल से आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा कि इंफोसिस विल बी कमिंग टू योर कॉलेज, एंड जो अप्रोक्सीमेट अभी अभी डेट का पता चला है फ्रॉम इन्फोसिस, वहां पर ही मेल पे लिखा हुआ था कि 3rd एंड 4th अगस्त 2024। ठीक है ना, ये जुलाई मंथ है और अगस्त है इसका नेक्स्ट मंथ। तो अगस्त मंथ में आप लोगों का जिन भी कॉलेज में इन्फोसिस अभी प्लेसमेंट के लिए आएगा, तो 3rd और 4th जुलाई में यही सेम असेसमेंट वहां पर भी होगा। ओके, तो ये रहता है हमारा नेक्स्ट फेज का डेट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो इंस्ट्रक्शन है, जो कि एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को फॉलो करना ही बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट फॉलो अनफॉलो ऑल दिस देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ओके ना, तो आप लोग देख लो, पहली बात तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट सा, यू मस्ट रिसेट द वन टाइम पासवर्ड शेयर्ड अबाउट एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द टेस्ट। ठीक है, तो मैंने जो कहा आप लोगों से, ये जो पासवर्ड है आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उनको आप 24 आवर्स, मतलब आज का दिन है, आज का दिन ही लास्ट है, आप लोग पासवर्ड जाके अपने पसंद का जो भी मतलब राइट है, आपको लगता है आपको याद रहेगा, उस पासवर्ड में आप लोग चेंज कर लो। ठीक है, और उसको, और ये पुराने जो पासवर्ड है दोनों को ही आप लोग नोटपैड में कॉपी पेस्ट करके रख लो। ओके, उसके बाद दिस इज अ वेब प्रोक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट ऑफ 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स। तो 3 आवर का आपका जो एग्जाम होगा, इफ यू स्टार्ट द टेस्ट बाय 11 AM यू विल हैव टू कंप्लीट इट बाय 2 PM। ओके, तो इसका मतलब है अगर आपने टाइम में खत्म नहीं किया तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना, काइंडली एंश्योर यू आर कनेक्टेड टू अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द टाइम यू लॉग इन स्टिल यू कंप्लीट द टेस्ट। तो अगर आपका इंटरनेट में कोई भी कनेक्शन का प्रॉब्लम है, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कभी भी कुछ जो कंप्यूटर जिसके पास वाईफाई है आपके दोस्त के पास है, या फिर आप लोग कुछ जो कैफेज होते हैं जहां पर आप लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, वहां पर जाके भी आप लोग स्टेबल कनेक्शन यूज करके आप लोग एग्जाम दो, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम होगा ना वो काफी स्ट्रिक्ट तरीके से माना जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ भी गलती से हो गया, मतलब आपका कनेक्शन बीच में चला गया, या फिर आपने कुछ विंडोज से आपने नेविगेट किया, तो आप लोग समझ जाओ कि आपका एग्जाम तभी के तभी आप लोग का खत्म
हो जाएगा और यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. ओके, इसके बाद द टेस्ट विल हैव थ्री प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स टू बी सॉल्व इन द गिवन टाइम फ्रेम. ठीक है ना, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा. ईच एंड एवरी क्वेश्चन का कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा, टोटल टाइम आपका 3 आवर्स रहेगा. उसके अंदर आप लोगों को तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द टाइम, ओ ये तो हो गया. और स्पीड जो है 2 Mbps से 5 Mbps में रहना चाहिए आपका. लिंक आप लोगों को दिया गया है, वहां पर आप लोग कंपैटिबिलिटी चेक कर लो आपका सिस्टम का. यू कैन टेक द टेस्ट ऑनलाइन फ्रॉम एनी वेयर एज लॉन्ग एज यू एडहियर द गाइडलाइंस. ठीक है, तो अगर आप लोग गाइडलाइंस फॉलो करते हो, कहाँ से आप दे रहे हैं उसका कोई मैटर नहीं करता है. ठीक है ना, इसके बाद आप लोग आ जाओ गाइडलाइंस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. द लॉगिन विंडो विल रिमेन ओपन फॉर ओनली 30 मिनट्स. ठीक है, दैट इज फ्रॉम 11 AM टू 11:30 AM. ओके, तो आप लोग वहां पर जाके लॉग इन कर लो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 11 से 11:30 में ही सभी लोगों का, जिनको भी मेल मिला है, उन लोगों का लॉग इन कम्प्लीट हो जाना चाहिए. उसके बाद अगर कोई भी आता है उसका लॉग इन नहीं होगा. ठीक है ना, आप लोग लॉग इन ही नहीं कर पाओगे तो आपका एग्जाम तो ऐसे ही नहीं दे पाओगे आप लोग. यू मस्ट स्टार्ट द टेस्ट विद इन दिस टाइम फ्रेम. ओके, इट इज मैंडेटरी टू हैव अ वर्किंग वेब कैम ऑन द सिस्टम. ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लैपटॉप में वेब कैम्स नहीं होते. अगर नहीं होते तो आप लोग अरेंज कर लो, या फिर मैंने जो कहा, आप जिसके भी घर पे आपका दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, उनके पास अगर वेबकैम वाला लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप लोग वहां पर जाके भी एग्जाम दे सकते हो. ठीक है, इसके बाद प्लीज एंश्योर दैट योर फेस इज कम्प्लीटली एंड कॉन्स्टेंटली विजिबल थ्रू आउट द एग्जाम. ठीक है, आपका जो मतलब मूवमेंट होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए, आपका फेस टोटली विजिबल होना चाहिए. ठीक है, ये सब चीजों का ख्याल आप लोगों को रखना है. ब्राउजर रिक्वायरमेंट्स फॉर टेकिंग द टेस्ट, गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर वर्जन भी दिया हुआ है. आप लोग अगर अपडेटेड नहीं है आपका वर्जन, आप लोग लेटेस्ट जो वर्जन है जो 91 और अबव विद डिजेबल पॉपअप ब्लॉकर. पॉपअप अगर आपके विंडोज में आता है तो आप लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे. ठीक है ना, उसको दिखाएगा कि नेविगेशन मतलब आपने विंडोज से नेविगेट किया है. ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सारे के सारे चीज आप लोग पहले से कंप्लीट करके रख दो, कि कोई पॉपअप नहीं आना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए. ये सब चीजों का ध्यान आप लोग रखा करोगे. यूज ऑफ मोबाइल हेडफोन्स एंड अदर ऑडियो डिवाइसेस ड्यूरिंग द टेस्ट इज प्रोहिबिटेड. जैसे कि आप लोगों को पता है, एक अच्छा सा एग्जाम देने में ये सब चीजों का मतलब जो यूज करना, ये प्रोहिबिटेड होता है. ओके, ऑल कोड. अभी जो इम्पोर्टेंट, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बताना चाहूंगी, कि अभी तक जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पर चीटिंग बहुत ज्यादा होती है. और किसी और का कोड लेके कोई भी सबमिट कर सकता है, चैट जीपीटी यूज कर सकता है, कुछ भी AI टूल्स यूज कर सकता है. तो यहाँ पर इंफोसिस का बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक स्टेप है. तो यहाँ पर आप लोग देख लो, यूज ऑफ सॉरी ऑल कोड सबमिशंस आर रन थ्रू अ प्लेगियरिज्म डिटेक्टर. ओके, मैं समझाऊंगी आपको कि ये क्या होता है. एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स एट एनी स्टेज विल बी इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाइड. अभी आप लोग देख लो, अगर आपका कोई दोस्त आपको हेल्प कर रहा है और आपका कोड और उनका कोड सेम हो गया, या फिर चैट जीपीटी से आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, आपने कुछ भी कर लिया, ठीक है ना, अगर आपका सेम चीज किसी और का भी आप लोगों को मिलता है, ठीक है ना, तो वो प्लेगियरिज्म डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आपने तो सबमिट कर दिया लेकिन उससे कुछ नहीं होगा. आपने जब भी लिखा उसको प्लेगियरिज्म डिटेक्टर में वो डिटेक्ट हो जाएगा कि ये कहा कि भी कॉपी किया हुआ एक जो कोड है, या फिर आपने किसी और का कोड अपने नाम से चलाने की कोशिश करा है, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे तभी के तभी. ओके, सो ये सारी चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना है. इसके बाद आप लोग देख लो, यहाँ पर टेस्ट इंस्ट्रक्शंस कुछ भी है तो आप लोग देख लो. टेक द टेस्ट विद इन द 48 आवर्स आफ्टर रिसीविंग दिस ईमेल. इट इज एन ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है. यू विल नीड टू प्रोवाइड योर आंसर्स यूजिंग योर माइक्रोफोन और कीबोर्ड फॉर प्रोक्टरिंग पर्पसेस. योर वीडियो ऑडियो एंड ब्राउजर सेशन विल बी रिकॉर्डेड एंड एनालाइज. टेक द टेस्ट फ्रॉम अ क्वाइट लोकेशन विद लो बैकग्राउंड वॉइस. अवॉइड टेकिंग द टेस्ट इन ब्रेकआउट कैफेटेरिया एंड पब्लिक प्लेसेस. तो नॉइस नहीं आना चाहिए आपको, कुछ शांत जगह पर बैठना है, अच्छे से एग्जाम देना है, टोटली फोकस करना है. अब जो इम्पोर्टेंट बात है, तीन जो कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे वो 3 लेवल्स के होंगे. पहला एक तो बेसिक होगा, दूसरा वाला मीडियम होगा और तीसरा वाला हार्ड होगा. ठीक है ना, ये तीनों कोडिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आप लोगों को 9.5 LPA की जॉब इंफोसिस की तरफ से मिल सके. बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम दो, कल ही की कल एग्जाम है. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. एंड आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो, आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर से बताइए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है. तो मैं जितनी जल्दी हो सके आप लोगों का हेल्प करना चाहूंगी. सो आप लोग प्लीज इंस्टा चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो एंड ज्वाइन कर देना. एंड तब तक के लिए बाय.